มองบัตรธรรมกิสงสารมีपैसा है, कुटुंबीजन है, हाथी है, घोड़ा है, राज्य है, ऐसे सब होते हुए भी एक काम में नहीं आते, क्योंकि कहा गया है चक्रवर्ती आदि लोग उनके पास किसी की कमी नहीं थी, तो भी इनको सबको घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि कहा जाता है संसार में सुख होता तो काहे को तज देते वो लोग, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते संजम सो अनुरागे। संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों को घर छोड़ने की क्या जरूरत थी, वे तीन तो तीर्थंकर ऐसे थे कि वे कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और बाद में वो तीर्थंकर भी बन गए। और कामदेव को क्या कमी है, चक्रवर्ती को क्या कमी है, क्या परिवार वाले कम थे, क्या राज्य में कम थी, सब था, तो भी इनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि चक्रवर्ती अपनी संपत्ति को सहजता से छोड़ता है, क्योंकि वह जानता है इसमें सुख नहीं। तो परिवार वाले काम तक कौन कहां तक काम देता है, क्योंकि कहा जाता है कौन कहां तक साथ देगा। छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत विषय भरा हुआ है, इसलिए कौन कहां तक साथ देगा, और इसका चिंतन करेंगे तो वैराग्य होगा ही। कौन कहां तक साथ देगा, कौन दूसरा नहीं हमारा कर्म ही है, और कहां तक घर वाली दरवाजा तक, लड़का स्मशान तक, आगे कौन। वैसे यहीं से वो चला गया है, लेकिन कहा जाता है कि कौन कहां तक साथ आता है। लड़का अंतिम संस्कार करने के लिए नदी तक आता है, स्मशान घाट तक, घर वाली चौकट तक आती है, लेकिन अपने साथ कौन जाता है, न धन जाता है, न समाज जाता है, न घोड़ा गाड़ी जाता है, बस कर्म सिर्फ जाता है अपना। और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे भी काम में नहीं आते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञानी आत्मा का स्वरूप होने पर व्यक्ति बाद में अटल हो जाता है और बाहरी इस पदार्थ से प्रभावित नहीं होता, और ज्ञान के समान ज्ञान सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और पर वस्तु का भेद विज्ञान कहा गया है। और इसीलिए हे भव्य जीव, करोड़ उपाय को करके उस भेद विज्ञान को प्राप्त करो, अपने हृदय में धारण करो। हम इतना पुरुषार्थ करते हैं संसार के कार्य के लिए, लेकिन एक बार सम्यक ज्ञान के लिए तो पुरुषार्थ करें हम, ये बाकी के जो पुरुषार्थ आता है ना, लोग कहते ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके पैसे कमाया है, लेकिन पुरुष अर्थ पुरुषार्थ एक है, पुरुष पुरुषार्थ का शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तो हम ये कहीं पर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पुरुष का अर्थ है आत्मा और अर्थ का है प्रयोजन, यानी आत्मा का प्रयोजन पैसे कमाना है क्या, आत्मा का तो प्रयोजन है शाश्वत सुख को प्राप्त करना, लेकिन सांसारिक कार्य करते हुए कहते कि मैंने पुरुषार्थ किया है इसलिए पैसे कमाया है। ये पैसे कमाना संसार करने को पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, क्योंकि पुरुषार्थ आत्म कल्याण के साथ लग जाता है,
क्योंकि एक कार्य होता है, एक कर्तव्य होता है। ये संसार का जितना क्रिया होती है वे कार्य में आता है, और कर्तव्य वह होता है जो आत्मा के आत्मोन्नति करने की जो क्रियाएं हैं उसको बोलते हैं कार्य, है कर्तव्य। तो कर्तव्य वह होता है कि आत्मोन्नति की क्रिया होती है, और कार्य वह होता है जो सांसारिक क्रिया। तो बाहर की जितनी क्रिया होती है वो सिर्फ बाहर के पदार्थों को लेकर, बाहर के क्रिया को लेकर होता है, उससे हमारा काम नहीं होता। तो ऐसे भी करोड़ उपायों को करके एक बार भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो, क्योंकि सम्यक ज्ञान की महिमा यही है कि पहले जो जीव मोक्ष को गए, मोक्ष को जा चुके हैं, और जो मोक्ष को गए हैं अभी जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वह गणधर देव यह कहते हैं, सब सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। और इसीलिए पांच इंद्रियों के विषयों की चाह रूपी इस भयंकर अग्नि में, अभी तक चाह रूपी भयंकर दावाग्नि में संसारी जीव रूपी जंगल को जला रही है, अब उसकी शांति का दूसरा उपाय नहीं है, मात्र ज्ञान रूपी मेघों का समूह ही उसको बुझा सकता है। शरीर की ताप चंदन के द्वारा मिट सकता है, बाहर की आग हम पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन क्रोधाग्नि कामाग्नि को कौन जलाएगा? क्रोधाग्नि को हम पानी से नहीं तो किसी को क्रोध आ गया पानी में डूब जाओ बुझ जाएगा, हमारा राग कम हो जाएगा, पानी में डूबने से राग कम होगा क्या? तो क्रोधाग्नि को अगर नष्ट करना है तो क्षमा की आहुति देना पड़ेगा उसमें। तो क्षमा की आहुति देने से क्रोधाग्नि बुझ जाएगी, और कामाग्नि को बुझाना है तो वैराग्य की आहुति देना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति के पास वैराग्य नहीं होता तब तक कामाग्नि शांत नहीं हो सकती। तो वह कामाग्नि और वह क्रोधाग्नि बाहर के पानी से, बाहर के शीतल चंदन से नहीं होता, शरीर की जो ताप है वह बुझ सकता है, शांत हो सकता है चंदन से, लेकिन आत्मा के साथ जो कषाय के कारण जो कामाग्नि है और जो क्रोधाग्नि है इसको हम शांत कर सकते हैं, वह ज्ञान रूपी वह मेघों का समूह से उसको बुझा सकते हैं। अब आगे कहते हैं, कैसे भी विषय चाह को जलाना जरूरी है, और यह ज्ञान रूपी बादल की वर्षा होना जरूरी है। हम बाहर के बादल की इच्छा करते हैं, जब खेत में बोते हैं तो कहते पानी कब गिरता है, उस बादल की राह देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ज्ञान रूपी बादल नहीं आने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण ये आग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और इतना बढ़ता जा रहा है वो कब बुझेगा? तो कहते सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। अब आगे कहते पुण्य और पाप में हर विषाद नहीं करना चाहिए। पुण्य एक होता है और पाप होता है, इन दोनों में हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए, इसी को बताया जा रहे हैं। पुण्य पाप फल माई हर कविल को मत भाई, यह पुदगल पर जाय उपजीविन से फिर थाई, लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, सक
सकल जगबंद पंगनित आत्म ध्याओ पुण्य पाप फल माई हर कबिल को मत भाई यह पुदगल पर जाय उपजीविन से फिर थाई लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ सकल जगदंद पंदनित आत्म ध्याओ भाई यानी हे आत्मा के कल्याण करने वाले प्राणी आप पुण्य फल माही पुण्य के फलों में हरक मत यानी हर्ष मत करना और पाप के फलों में द्वेष मत करना क्योंकि ये पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय है और पुद्गल की पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाती है और फिर पैदा भी हो जाती है। पुण्य और पाप संसार में दो ही क्रियाएं हैं और व्यक्ति पुण्य वह होता है जो आत्मा को पवित्र करे उसको पुण्य कहते हैं और जो आत्मा को अच्छे कर्मों से दूर करे उसे पाप कहते हैं। तो व्यक्ति पुण्य करते समय दया दान आदि जो शुभ परिणाम होते उसको बोलते पुण्य और हिंसा झूठ चोरी आदि है वो पाप है। तो पुण्य और पाप करता जाता है और जैसे पुण्य पाप करने कारण पुण्य करने कारण शुभ कर्म का असर होता है और पाप करने से अशुभ कर्म का असर होता है और जब ये असर होने के बाद इसका फल उसी के अनुसार मिलता है। पुण्य का फल शुभ मिलता है तो उस वक्त हर्ष नहीं करना चाहिए और पाप का उदय आने के बाद दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि पुण्य और पाप ये क्या है पुद्गल की पर्याय है और पुद्गल की पर्याय के कारण और जब तक पुद्गल रहेगा तब तक क्योंकि उदय आ गया समझ लो पुण्य के उदय से इंद्रिय सुख मिलने लगा। अब ये बताना कितने समय तक रहेगा वो जब तक कर्म का उदय है तब तक और वो निकल जाएगा और पाप का उदय आएगा। तो पुण्य कर्म और पाप कर्म ये दोनों उदय में आते रहेंगे जैसे कर्मों के जैसे हमने कर्म किया है तो ऐसे समय कभी भी उसके द्वारा व्यक्ति को क्या नहीं होना चाहिए कि उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए क्योंकि वह कर्म क्या इसको थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि कर्म कहते ही
कर्म जो होते हैं पुद्गली स्कंदों के अनेक परिमाणों के समुदाय रूप में वर्गनाए होते हैं और वे उसके 22 भेद है। तो उन वर्गनाओं से विभिन्न प्रकार के दृश्यमान और अदृश्यमान यानी दिखाई देने वाले और नहीं दिखाने वाले जो पौद्गलिक है पार्थिव है जैसे मिट्टी है कोयला है आदि लोहा है पत्थर है आदि जो खनिज है तथा अखनिज चीज है जैसे जली है यानी जल है बर्फ है और अग्नि है आदि तथा ये पदार्थ बना करते हैं। उन 22 प्रकार की जो वर्गनाओं का जो 5 प्रकार की वर्गनाएं होती है उसके द्वारा आहार भाषा तेजस मनोवर्गना और कर्मन और जीव के ग्रहण में आया करती है। और उन 5 कर वर्गनाओं में जो कर्मन जाति की वर्गनाएं होती है वह कर्म उन वर्गनाओं से ही बनते हैं। और जैसे चुंबक होता है चुंबक क्या करता है लोहे की ओर अपनी वस्तु को खींच लेता है आकर्षित करता है। तो ये शक्ति तो लोहे के चुंबक लोहे में चुंबक की ओर खींचने की जैसी शक्ति होती है उसी प्रकार आत्मा में भी एक योग नाम का आकर्षण शक्ति होती है योग होता है। और वो क्या करता है वो योग की शक्ति और कर्मन वर्गनाओं में आत्मा की ओर खींचने की शक्ति होती है और वो खींचता है। जब शुभ परिणाम करता है तो शुभ कर्मों को क्या करता है वो खींच कर उसके अनुसार उसको परिवर्तन करता है और जो अशुभ होता है वो पाप के रूप में उसको आकर्षित करता है अपने आकर्षण करता है। और ये करने का ना उसका जो फल आता है और फल आते समय हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जो उदय है थोड़े समय के लिए है। अभी जैसे धूप है तो छाया आएगी धूप छाया जैसे चलता रहता है वैसे संसार में सुख दुख होता रहता है पुण्य पाप के कारण सुख होता है लेकिन वह शाश्वत नहीं होता। तो इसीलिए कहते कि ऐसे उदय में अपने को कभी भी सुख और दुख नहीं मानना चाहिए और हर्ष विषाद अपने को नहीं करना चाहिए क्योंकि उत्पन्न होकर नष्ट होना और फिर पैदा होना ये उसका स्वभाव है। और इसलिए उर अपने हृदय में निश्चय से लाखों बातों का सार यही है कि ग्रहण करो कि सब अपना पुण्य और पाप सहित संसार के झगड़ों को हटाकर हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। संसार को समझा नहीं सकते संसार एक ऐसा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कर्म एक जैसा नहीं है कोई किसी को समझा नहीं सकता। जब भगवान जिसको नहीं समझा सकते और हम थोड़ा कोशिश करेंगे लेकिन उनका पुण्य का उदय हो तो समझा सकता है नहीं तो कर्म उसको कहता है मत सुनो क्योंकि अपने को बहुत बैलेंस बढ़ाना है अभी मेरे पास बहुत बैलेंस है और उनकी बात मानेंगे तो मैं कहाँ चला जाऊं अरे सत्य बात मानेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी और निर्जरा होगी तो कर्म कहता है मैं तो रुक नहीं सकता आपके पास क्योंकि पुण्य आप करते ही धर्म करते ही समीचीन धर्म करते ही मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कर्मों की निर्जर हो जाएगा क्योंकि धर्म किया जाता है कर्मों की निर्जरा के लिए और आप धर्म करेंगे तो मैं कहाँ चला जाऊं। तीसरे कर्म कहता है आप तो मत सुनना कितना भी संघर्ष हो जाए लेकिन अपने को नहीं छोड़ना है अपना काम। और इसीलिए ऐसे जग द्वंद खंड शब्द दिया उन्होंने क्या है ऐसे जग द्वंद संसार के झगड़ों को हटाकर हमेशा
अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सब ये उलझनी है, जो शैल्य है वह सब नाता तोड़ना चाहिए और हमेशा आत्मचिंतन करना चाहिए और सदा गृहस्थ में फंसकर आत्म कल्याण करने में आलसी होना हमें उचित नहीं। गृहस्थ में इतना व्यक्ति आलसी बनता है कि आत्मा क्या है, कल्याण कहाँ है, ये सोचने के लिए भी उसको समय नहीं, आत्मा का चिंतन कभी नहीं होता। इसीलिए परमानंद स्तोत्र में लिखा है कि उत्तम स्वात्म चिंता सात देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता सात देह पर चिंता धमा धमा। वह कहते हैं कि आत्मा का चिंतन करना ही सबसे उत्तम है, और वो कहते हैं कि देह चिंता च मध्यमा, और मध्यम क्या है, देह की चिंता करना। क्यों करना, इसलिए करना है इसके द्वारा हमें कर्मों की निर्जरा करना है। शरीर के प्रति ममत्व नहीं, लेकिन शरीर को वह रखना चाहता है। जैसे मशीन के प्रति व्यक्ति का क्या नहीं होता, प्रेम नहीं रहता, लेकिन मशीन अच्छी चले इसलिए समय पर उसको तेल आदि डालता रहता है, क्योंकि उस मशीन से हमें क्या करना है, काम लेना है। तो उसी तरह सम्यक दृष्टि क्या करता है कि अपना कार्य करते समय शरीर को उपयोग में लेता है। जैसे नौकर को वेतन देके तो नौकर काम करेगा, और शरीर को यानी नौकर को वेतन नहीं देंगे तो नौकर काम नहीं करेगा। तो शरीर को वेतन के रूप में कुछ देता रहता है और काम करके लेता है। इसीलिए कहते कि वे मध्यम में है और अधमा, और अधम क्या है, तो कहते काम चिंता, काम की चिंता, विषयों की चिंता करना ही अधम है। और बाद में कहते कि वह व्यक्ति देह चिंता तो करता है, लेकिन पर चिंता धमा धमा, यानी दूसरों की चिंता करना ये और अधम से अधम है, और ऐसा व्यक्ति कर जाता है। तो इसलिए कहते कि जगत द्वंद फंद अब कहाँ तक करेंगे, अब एक बार अपने आत्मा का चिंतन करो, क्योंकि आत्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति ही आत्मा को समझ सकता है। शांति सागर महाराज ने अंतिम उपदेश में बताया है कि 5 मिनट तो आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन केल्या शिवाय आत्मा से कल्याण होणार नाही। क्योंकि आत्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति ही अपनी आत्मा को समझने के कारण बाहर आत्मा का चिंतन करने से बाहर की चिंता से छूट जाता है, क्योंकि चिंता बाहरी पदार्थ की होती है। क्योंकि चिंता जितना व्यक्ति करता है उतना जल्दी उसका क्या होता है, आयु भी, आयु की निश्चित भी झर जाते, क्योंकि चिंता करते करते व्यक्ति जीवित हुए भी मरण की ओर जा रहा है। और एक चिता होती है, चिता तो निर्जीव जब शरीर बन जाता है तब चिता पर जाता है, लेकिन चिंता करने वाला व्यक्ति भी चिता पर जाने की जल्दी व्यवस्था कर रहा है, चिंतन भी होता है और चिंता भी होता है। तो आपको आत्म चिंतन करना चाहिए, और आत्म चिंतन करेंगे तो ये बाहर की जो जगद्वंद फंद है इसको आप बच सकते। और लाखों बात की यही सारभूत संसार में अगर क्या सारभूत है, तो कहते हैं कि बाहर के जगद्वंद फंद को छोड़कर आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह बाहरी उस पुण्य और पाप में हर्ष विषाद नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि राग द्वेष करेंगे, हर्ष विषाद करना भी कर्म बंध के लिए कारण है। आचार्य ने बताया है कि पुण्य और पाप को बताया, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। अब कहा जाएगा
बीड़ी पहनेंगे क्या? लोग कहते नहीं पहनेंगे। बीड़ी कौन पहनना चाहता है? नहीं पहनना चाहता तो भी कहा जाता है नहीं, एक तो बेड़ी पहनना है और सामने रखेगा, ये सोने की बेड़ी है, ये लोहे की बेड़ी है, आपको एक तो पहनना चाहिए, तो कौन सा मांगेंगे हम? लोहे की बेड़ी है, पहनना है तो कहते हैं सोने की दे दो, क्योंकि पहनना तो है, लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति मांगता है तो संसार में रहते हुए पुण्य यानी सोने की बेड़ी है और पाप यानी लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी मानी जाती है, लेकिन एक ही कहा जाता है, एक सुख देता है एक दुख देता है। लोहे वाला क्या करता है? दुख देता है। और सोने का कहा जाता है मेरे सोने की बेड़ी है, बेड़ी है लेकिन बंधन में है आप, क्योंकि वो बंधन में डालता है बेड़ी, लेकिन तो भी कहा जाता है कि उस सोने को देखकर हर्ष मत करना और लोहे को देखकर विषाद मत करना, और इसमें लोहे में इसमें सोने में सुख मत मानना और लोहे में दुख मत मानना। सोना सोने में है, लोहा लोहे में है, आत्मा आत्मा में है, कहाँ सुख मिलता है उसमें? लेकिन कहा जाता है तो ऐसे उस पुण्य और पाप में हर्ष विषाद करना, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय भी होता है और इससे बचना है तो कहते कि शुद्धोपयोग को प्राप्त करो। और शुद्धोपयोग को कौन प्राप्त करते हैं? मुनि महाराज करते हैं। गृहस्थ इसको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गृहस्थ में सदा सदा जग द्वंद भंग चलता रहता है। वो फट फट जैसे इच्छुकंजी की मशीन चलती रहती है ना, वैसा बार बार आवाज आता ही रहता है, कभी शांति नहीं होता। और ये भी बात है, उसके बिना मजा भी नहीं आता कई लोगों को। उसके बिना जैसे इच्छुकंजी का कोई व्यक्ति इधर आ जाए ना, वो सो नहीं सकता। क्यों नहीं सो सकता? वो आवाज नहीं आता उसको। आवाज आने के बाद भी वो नींद आती है, क्योंकि आदत पड़ गई है। किसकी? वो आवाज सुनते सुनते, जैसे छोटे बच्चे को माँ लोरिया सुनाती है, लोरिया सुनाते सुनाते वो सो जाता है। माँ अगर लोरिया नहीं बोलेगी ना, कुछ भजन नहीं बोलेगी तो बच्चा सोता नहीं। तो उसी तरह जब तक जगत बंद पन्न नहीं होता तब तक अच्छा होता ही नहीं, अच्छा लगता ही नहीं। और उसी तरह संसारी सदा उसी में होता है, तो उसमें नहीं आप अपना समय नहीं गवाते हुए उस संसार के झगड़ों को हटाकर हमेशा आत्मा का ध्यान करो। क्योंकि आचार्य कहते हमने अनादिकाल से सुना है, अनादिकाल से हमें परिचित है और अनादिकाल से अनुभूत है पंचेंद्रिय विषय, लेकिन एक हमें अनुभूत नहीं, एक हमने सुना नहीं और एक का हमें परिचय नहीं। और किसका परिचय नहीं? एक तो प्राप्त करने वाला हुआ आत्मा का हमें परिचय नहीं। हमने सुना है विषयों कैसे की बातें, हमें परिचित है पंचेंद्रिय विषयों की बातें और हमने अनुभव भी किया है पांच इंद्रियों के विषयों को, लेकिन हमने आत्मा का परिचय नहीं करके दिया। हमने आत्मा की आत्मकथाएं अभी तक नहीं सुना, वी कथाएं बहुत सुना, तो आत्मा की कथाएं नहीं सुना और आत्मा की जो बात है उसको हमने अभी से परिचय करके नहीं दिया, संवेदन उसका हमने नहीं किया। तो इसलिए आपको इसको करना चाहिए, ऐसे बताया। अब कहते हैं अब सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अब आपको क्या करना चाहिए? अब सम्यक चारित्र कब व्यक्ति लेता है और उसका अन्य चारित्र की कितनी भेद है, उसके लक्षण क्या है बताया जा रहा है। सम्यक ज्ञानी होय बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरुष
सकल देश तसु भेद कहिजे। को त्याग व्रता था वर्ण सुनारे, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। ज्ञानी हो य बहुरि दृढ़ चारित्र दीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहिजे। को त्याग व्रता था वर्ण संघारे, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। संसार के द्वंद्वपन को छोड़े बिना आत्मा क्यों, आत्मा का ज्ञान ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि आरंभ और परिग्रह में उलझे हुए व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो सकता, और एकाग्रता के बिना ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। आरंभ परिग्रह जब तक रहेगा तब तक आत्मा का ध्यान नहीं होगा, और सम्यक ज्ञानी होकर बाद में आपको उस दृढ़ता के साथ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। वह आरंभ परिग्रह छोड़ दिया, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान को अपने प्राप्त किया, अब आपको क्या करना चाहिए कि चारित्र को धारण करना चाहिए, क्योंकि श्रावक आचार्य में भी पढ़ कर आए हैं हम लोग चारित्र अधिकार में कि मोह तिमिरा पहरने दर्शन लाभा दवाप्त सौज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद के साधो। क्योंकि मोह रूपी तिमिर का नष्ट हो गया है, यानी मोह रूपी अंधकार दूर होने के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति से जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा वह भव्य जीव क्या करता है कि राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को प्राप्त होता है। अब देखो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, दो रत्नों की प्राप्ति हो गई, अब हमें क्या चाहिए संसार में? चारित्र के बिना भी कल्याण नहीं होगा, तो अब ज्ञान होने के बाद भी हम अज्ञान की जैसे क्यों रहना? पहला ज्ञान नहीं था इसलिए हमने प्रवेश किया था संसार में, लगा था कि कोई सुख मिल जाएगा, अब इतने सालों से हो गए, आज मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, करते करते यहाँ तक आ गए, और यहाँ आने के बाद अभी भी नहीं मिल रहा है, और भी लग रहा है और थोड़ी दिन मिलेगा। अमर गुरु महाराज ने इसलिए लिखा है कि संसार में सुख ढूंढना यानी जल के मंथन करके नवनीत निकालना,
जल रहता है, पानी का मंथन करने के बाद नवनीत मिलता है क्या, क्या चिंचौड़ मिलता है, फेन आ जाता है थोड़ा सा ज्यादा, अगर रवि के द्वारा ज्यादा ये करते बैठेंगे ना तो उसमें फेन थोड़ा सा आ जाएगा। और आने के बाद कब तक वो रहेगा फेन, जब तक उसको मथाने के द्वारा करते बाद में मथाने को बंद करते वो क्या होता है, नीचे जाता है, लेकिन लगता है फेन ना थोड़ा सा आ रहा है, तो नवनीत आलो है ये तो आता है, अभी आ जाएगा। तो जल के मंथन से जैसे नवनीत नहीं मिलता, उसी तरह संसार में सुख तीन काल में नहीं मिलता। और इसीलिए एक बार हमें ज्ञान हो गया कि संसार में सुख नहीं है तो निकालने की कोशिश क्यों करना, जब भगवान ने भी बताया कि भैया पुरुषार्थ मत करो मिलेगा नहीं, तो भी कहते हैं उनको मालूम नहीं होगा हम निकल के दिखाएंगे नहीं मिलेगा, उन्होंने कह दिया विषय विषय है, भगवान ने बताया पांच इंद्रियों के विषय क्या है, विष है, तो भी देख तो लेंगे थोड़ा सा टेस्ट लेकर। और उसी में लेते लेते इतना समय निकल गया, अभी भी निर्णय नहीं हुआ कि इसमें सुख है क्या नहीं। तो सन्ने ज्ञानी होने के बाद, तत्व का ज्ञान होने के बाद वह जान लेता है कि पंचेंद्रिय में सुख नहीं है, और वह नहीं मालूम होने के कारण उसको ग्रहण किया था। अब ज्ञान होने के बाद धीरे धीरे उस संस्कार को कम करता है, तब वह ज्ञानी बनता है। पांच इंद्रियों के विषयों को कम करना ही तत्व का ज्ञान होने के कारण वो कम करता जाता है, और इसी के कारण अब को सोचता है अब कम हो गया, अब अपने को क्या करना चाहिए, अब राग द्वेष किसी से नहीं करना है, और इसकी निवृत्ति के लिए वह चारित्र को प्राप्त कर लेता है, और सम्यक चारित्र पालन करना चाहिए। और उसके एक देश और सकल देश तो सुख भेद कही दे, और उसके एक देश और सकल देश ऐसे भेद कहे हैं, और उनमें जो त्रस हिंसा यानी त्रस जीवों की हिंसा को जो त्याग करता है छोड़ देता है, और बेमतलब स्थावर जीवों का घात नहीं करता, उसको अहिंसा अनुव्रत कहते हैं। अब यहाँ से अनुव्रत का थोड़ा सा विशेष शुरू हो गया। देखो कितना प्रारंभ से कैसे विकास करवाते करवाते यहाँ तक लाए, पहला चार गति, उनके दुख, बाद में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान आदि को बता के, संसार का कारण बता के, सम्यक दर्शन का महत्व बता के, सम्यक ज्ञान का महत्व बताते, अब चारित्र के उसके प्रवेश कराए जा रहा है। और वह चारित्र दो प्रकार का होता है, एक देश चारित्र और एक दूसरा सकल देश। तो त्रस जीवों की हिंसा को छोड़ के, त्रस जीव वह होते हैं कि त्रस नाम कर्म के उदय के कारण जो जीव उसको धारण करता है, और त्रस कहाँ से प्रारंभ होता है, द्वि इंद्री से, द्वि इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री। तो त्रस हिंसा को छोड़कर स्थावर जीव का घात नहीं करना, यानी स्थावर जीवों का बेमतलब बिना कारण उसका क्या नहीं करना, घात नहीं करना, ये अहिंसानुव्रत है। क्योंकि कहा जाता है परवद दूसरों को दुखदायक कठोर बोलना, दूसरे की निंदा योग्य वचन नहीं बोलना, यही सत्य अनुव्रत है। अब अनुव्रतों का वर्णन बताते हुए सत्य अनुव्रत और अहिंसा अनुव्रत का देखो दो लाइन में, एक लाइन में उसको पूरा किया, इतना ही बताया कि त्रस हिंसा का त्यागी और बेमतलब स्थावर की हिंसा नहीं करना, ये अहिंसा अनुव्रत है।
और सत्यानुव्रत क्या है कि कठोर नहीं बोलना, दूसरों को दुखदायक ऐसे कठोर नहीं बोलना, निंदा योग्य वचन नहीं कहना, ये सत्यानुव्रत है। तो ऐसे पहला अनुव्रत कितने पांच है, दोपहर की क्लास आपको आते हैं उनको तो पता है, जो सुबह के लोग हैं उनको याद रखना है कि अनुव्रत पहला जानना है। अनुव्रत क्या होता है, अंश रूप से जो व्रत हो उसे अनुव्रत कहते हैं। अंश रूप में अनुवाने कम, एक महाव्रत होता है एक अनुव्रत होता है। जो अंश रूप से जो व्रत हो उसे अनुव्रत कहते हैं, और जो महाव्रत होता है यानी एक देश जहां होता है वे अनुव्रत होता है, और सकल सर्वदेश, सर्वदेश यानी महाव्रत, एक देश यानी अनुव्रत होता है और सर्वदेश यानी महाव्रत होता है। तो ये व्यक्ति अनुव्रतों को प्राप्त करता है, और अनुव्रत पांच होते हैं, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमान अनुव्रत। इस तरह पांच प्रकार के अनुव्रत होते, उसको बोलते हैं कि एक देश है ये, और महाव्रत का जब आ जाएगा तो बताएंगे। तो एक देश अंश रूप से जिसको हम अनुव्रत बोलते हैं, तो ये अनुव्रत पांच होते। तो उसमें अहिंसा अनुव्रत को बताया कि त्रस्त जीवों की संकल्प हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का भी घात नहीं करने को अहिंसा अनुव्रत कहते, और उस अहिंसा अनुव्रत का वो व्यक्ति अच्छी तरह से पालन करते हुए और बाद में सत्यानुव्रत के बारे में बताते कि दूसरों के प्राणों का घातक और कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोलना, और दूसरे से बुलवाने को न दूसरे से बुलवाना, यही सत्य अनुव्रत है। नहीं तो हमारा सत्य अनुव्रत है और दूसरे को बताए आप ऐसे बता दो तो वो भी दोष है, न खुद बोलेगा न दूसरे से बुलवाएगा। तो ऐसे भी सत्य अनुव्रत का वो व्यक्ति पालन कर देता है, और इसी के कारण अपने उस व्रतों के प्रति सदा वो सजगता रहता है, क्योंकि रत्नगण श्रावकाचार्य सकलम विकलम कहा, और यहाँ एक देश और सर्वदेश कहा, और वो व्यक्ति मिथोपदेश आदि भी जो भी क्रिया है वो नहीं करता, क्योंकि सत्य अहिंसा व्रत के पांच अतिचार होते हैं, वध है, बंद है, वध है, छेद है, अतिभारारोपण है, अन्नपान निरोध है, वो भी नहीं करता, क्योंकि ये अहिंसा अनुव्रत में अतिचार होते हैं, और सत्यानुव्रत में मिथ्योपदेश देना है, रो व्याख्यान है, कूटले क्रिया है, नासा पहार है, और साकार मंत्र भेद, इस प्रकार के इस पांच अतिचार से भी वो बचता रहता है, क्योंकि दूसरों को जो आगम के विरुद्ध जो बातें होती है मोक्ष प्रेरण के अवश्य में दूसरों को अन्यथा प्रवृत्ति करना ये मिथोपदेश होता है, और स्त्री पुरुषों के द्वारा जो एकांत में की गई विशिष्ट क्रिया को प्रकट करना ये रोग व्याख्यान होता है, और अंग विकार या बोहों को चलाना आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्या भाव रखना इसको प्रकट कर देना ये पैशून्य है, और साकार मंत्र वेद में यही लेना है, और दूसरों के द्वारा अनुक्त अथवा अकृत किसी कार्य के विषय में ऐसा कहना कि उसने कहा है अथवा किया है, इस प्रकार धोखे देने के अभिप्राय से कपटपूर्ण लेख लिखना, लेख लिखना लेकिन कपट भाव रखना, इसको कूट लेख क्रिया कहते हैं। और जो धरोहर किसी ने हमारे पास धरोहर रखा है तो वह धरोहर को संख्या भूलकर अल्प संख्या
द्रव्य को मांग रहा हो तो उसे उतना ही दे देना, ये न्यासापार कहते। तो ऐसे दोनों व्रतों को, अतिचारों को, व्रतों को पालते हुए अतिचार से वह दूर होता है, आपका समय हो गया। तो इस तरह हो गया। अब आचार्य ब्रह्मचर्य के बारे में कर पढ़ेंगे पुण्य पाप फल माई हर कबिल को मत भाई, यह खुद बल पर जाय उपजीविन से तिर माई, लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, दोरी सकल जगदंड पंदने आत्मदाओ, सम्यक ज्ञानी होय बहुरि दृढ़ चारित लीजे, एक देश अर सकल देश तसु भेद कहीजे, तस हिंसा को त्याग व्रता का वरण संहारे, पर्वदकार कठोर निंद नहीं वयन विचारे की महिमा बताया था कि संसार में पैसा है, कुटुंबीजन है, हाथी है, घोड़ा है,